हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं ऐसी एक खाद बनाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ फ्री होगी बल्कि नीम खली का सब्स्टिट्यूट भी होगी। और इसके लिए देखो, मैंने नीम के ये पत्ते ले लिए हैं। पतझड़ में मैं बोरा भर के पत्ते मैंने कलेक्ट कर लिए थे। और ये है फूल के पैकिंग के प्लास्टिक के जो बैग हैं, काफ़ी बड़ा है तो इसका भी इस्तेमाल करूँगी इसी में। ये गाय के गोबर का खाद है जिसमें जो है राइस हस्क भी मिली हुई है। और ये है दही की लस्सी। और ये मेल्टेड गुड़ है, इसका भी इस्तेमाल मैं इसमें करूँगी ताकि न्यूट्रिएंट्स सभी तरह के इसमें शामिल हो जाएं। और सबसे पहले नीम के पत्ते हम थोड़े से इस बड़े से प्लास्टिक बैग में भर लेंगे। और अब ये गाय की गोबर की खाद है, इसको थोड़ा सा डाल के फैला देंगे पूरे पे। और ये किचन वेस्ट कुछ इसी के ऊपर डाल देंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर या जब पानी गीलापन निकलेगा वो पत्ते और ये खाद सूख लेगी। और अब लस्सी और गुड़ को मिला लेंगे अच्छे से। मेल्टेड है तो ये अच्छे से मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे जो है गुड़ बैक्टीरिया होते हैं। और मिला लेंगे इसको थोड़े से पानी में ताकि अच्छे से घुल मिल जाए। तरीके तो आई ना। और अब इसको छिड़केंगे सारे के ऊपर थोड़ा थोड़ा ताकि मॉइस्चर बना रहे और ये बैक्टीरिया जो है इसमें आ जाए अच्छे से। इसके ऊपर फिर से एक लेयर डाल देंगे इसी तरह नीम के पत्तों की। और ये गाय के गोबर की फिर से, क्योंकि ये डीकम्पोज हुआ है तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, जल्दी से इसको डीकम्पोज कर देंगे। और ये है किचन कम्पोज, जिसको थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, रखा हुआ गर्मी में, तो इसको फिर फैला देंगे इस पर। लस्सी और गुड़ का पानी फिर से मॉइस्चर बनाए रखने के लिए और गुड़ बैक्टीरिया जो है इसमें आने के लिए, ये डीकम्पोजर का काम करेगा। और अब थोड़ी सी मिट्टी भी मैं इसमें डाल दूंगी ताकि जो भी इसका जो लिक्विड निकले वो सोख ले और नीचे ना जाए। नीम के पत्ते फिर ऊपर लगा देते हैं। इस तरह से हम बार बार लेयर बनाते रहेंगे। गोबर का खाद थोड़ा सा जो डीकम्पोज गोबर होता है बना हुआ खाद, तो ये बहुत जल्दी इसको डीकम्पोज करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें इजीली आ जाते हैं, डीकम्पोजर का काम करते हैं। जब तक बोरा भर नहीं जाता यही प्रोसेस हम करते रहेंगे और हमारी जो नीम खली है वो बनके तैयार हो जाएगी। इसको मैं मल्चिंग के लिए लेके आई थी और मेरा दूसरा यूज ये हो गया। इसको बांधने के लिए भी बचाना है। इसे बांध देंगे, इसका मुंह बंद कर देंगे अच्छे से जो ऊपर से कोई हवा ना जाए और ये अंदर ही मॉइस्चर बना रहे इसमें। और अब करेंगे इसमें कुछ छेद ताकि ऑक्सीजन जाती रहे। जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है, तो कुछ छेद कर देंगे हम जिससे ऑक्सीजन जाती रहे, मरे ना वो। इधर भी इसे रख देंगे किसी शेडेड एरिया में, बिल्कुल छांव में। और इसे ऐसी जगह रख दिया है कॉर्नर में जहाँ धूप नहीं आती दिन की। कुछ दिन बाद, 20-25 दिन बाद, इसको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करते रहेंगे और दिखाऊंगी आपको जब ये खाद बनके तैयार हो जाएगी। ये सब्स्टिट्यूट है मेरा नीम की खली का। और आप भी बनाएं ऐसे ही। आजकल पतझड़ में बहुत सारे पत्ते वैसे भी मिल जाते हैं।